नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। इटावा में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पहली जयंती को समाजवादी पार्टी धरती पुत्र दिवस के नाम से मना रही है और इसको लेकर सेफई महोत्सव के पंडाल में मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन से जुड़ी सभी तस्वीरों को एक बड़े होर्डिंग में लगाया गया है। और सेफई में आयोजित कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव समेत पूरा मुलायम परिवार और देश भर से तमाम समाजवादी पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और साथ ही सफाई महोत्सव पंडाल में हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ इटावा से संवाददाता रोहित सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। रोहित सिंह, जिस तरह से खबर सामने आई है कि मुलायम सिंह के जयंती पर धरतीपुत्र दिवस का आयोजन किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम रहेगा और कितने लोग यहां पर मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही तैयारियां जो है वो किस तरह से हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं, आज मुलायम सिंह यादव की जो है जयंती है और ये उनके निधन के बाद जो है उनका पहला जन्मदिन पड़ रहा है, जिसको समाजवादी पार्टी जो है धरती पुत्र दिवस के नाम से मना रही है। उनके पैतृक गांव सैफई में जो महोत्सव पंडाल है वहां पर जो है कई तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। उनके राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई जो यात्राएं रही, जो भी यादगारें हैं उनसे जुड़ी हुई तस्वीरें एक बड़े होर्डिंग बैनर में मंच पर लगाई गई हैं। और इस पंडाल में जो है तकरीबन 10,000 से 20,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है उनके बेटे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद कर रहे हैं और उनके साथ साथ जो है यहाँ पर शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और परिवार के सभी सदस्य समेत देश भर के सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। जी रोहित, ये कार्यक्रम कब शुरू किया जाएगा, समय कुछ निर्धारित हो पाया है इसका? बिल्कुल, इसका कार्यक्रम का जो समय है वो 12 बजे के करीब शुरू कर दिया जाएगा। अभी इस समय जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से एक हवन का भी प्रोग्राम कराया जा रहा है, जो मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल के पास एक हवन करवाया जा रहा है। उस हवन के खत्म होने के बाद जो है महोत्सव पंडाल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जी रोहित, और पंडाल में लोग कब तक पहुंच रहे हैं और कितने तादाद में लोग यहां पर मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, आपको बता दूं, रात से ही लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो गया था। यहाँ पर पूरे देश भर के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और नेता और बड़े और छोटे कई प्रकार के नेता जो है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कई हजार लोग जो है यहाँ पर सैफई में इस समय आ चुके हैं, जो अपने अपने अलग अलग जगहों पर इस समय बैठे हुए हैं। लेकिन कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही उन लोगों को सभी को महोत्सव पंडाल में बुला लिया जाएगा। जी जी रोहित, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या अपडेट रहेगी उस समय? अखिलेश यादव चूंकि उनके पुत्र है मुलायम सिंह यादव के और एक पूरा राजनीतिक परिवार जो मुलायम परिवार है वो पूरा एक हो चुका है मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर, और इस कार्यक्रम को जो है पूरा परिवार एक साथ मिलकर आयोजन कर रहा है। और मुलायम सिंह की जो यादगार है उनको उन पर जो है एक बड़ी एक कार्यक्रम के आयोजन किया गया है, इसमें पूरा परिवार इनके साथ यहाँ पर मौजूद रहेगा। जी जी रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। फतेहपुर में जिला मुख्यालय में मौजूद नहर कॉलोनी परिसर में मासिक बैठक में शामिल होने आए भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक दल के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि इस बार धान खरीद के 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा आ रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गड्ढा मुक्त की बात जो कही गई है वो निराधार है और उन्होंने PWD विभाग के अधिकारियों को भी 15 दिन का समय देते हुए कहा है कि अगर गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई तो प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में मौजूद PWD कार्यालय में किसान महापंचायत करने को मजबूर होगा। पूरे जनपद में गड्ढा से कोई भी सड़क मुक्त नहीं है। अभी हमने 29 तारीख को सड़क और बिजली को लेकर के थरियाओं में हाईवे पे एक बड़ी महापंचायत पूरे जिले की सड़कों को लेकर की गई थी। उसमें बहुत कई सड़कें हमारे क्षेत्र की, तो कई सड़कों में काम शुरू भी है और कुछ सड़कों में काम शुरू होने वाला है।
अतरौली में वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। अलीगढ़ रोड पर एक कॉन्वेंट स्कूल में ही प्रबंधन द्वारा एक युवती की व्हाट्सएप कॉल पर बनाई गई वीडियो को वायरल कर दिया गया और करीब 2:52 की यह वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस तरह के सेक्स वर्करों का गिरोह मोबाइल फोन पर सक्रिय है और इस कॉन्वेंट स्कूल के ही प्रबंधक के पास भी इस युवती का फोन आया और अपनी बातों में फंसाकर युवक का वीडियो बना लिया गया। आपको बता दें कि पहले वीडियो प्रबंधक के पास भेजी गई और भारी भरकम रकम की मांग की गई। प्रबंधक से जब पैसा का मोल तोल होने लगा तो महिला ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और स्कूल प्रबंधक की इस करतूत की चारों ओर चर्चा हो रही है। श्रद्धा हत्याकांड लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और देश में कई स्थानों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं और उसी कड़ी में आज सहारनपुर नगर में भी विश्व हिंदू वाहिनी संगठन के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए श्रद्धा के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। विश्व हिंदू वाहिनी संगठन ने प्रदर्शन करते हुए SDM को एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा है। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले श्रद्धा हत्याकांड चर्चाओं में आया और जिसमें एक युवक आफ्ताब ने श्रद्धा के लगभग 35 टुकड़े कर उसको अपने ही घर में फ्रिज में रखकर धीरे धीरे उसके शरीर को ठिकाने लगाने का काम कर रहा था। गोरखपुर में एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक खून से लथपथ कुर्सी पर बैठा है और वहां कुछ पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक पुलिसकर्मी द्वारा कहा जा रहा है कि उनका मोबाइल छीन लो या वीडियो बना रहा है और जांच पड़ताल के बाद पता चला कि यह वीडियो कोतवाली थाना परिसर का है। जो युवक घायल अवस्था में कोतवाली में पड़ा है और मियाँ बाजार का रहने वाला रियाज अहमद है। बात करने पर पीड़ित ने बताया है कि 2018 में उसका विवाह कुशनुमा के साथ हुआ था। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो गया। मुस्लिम रीति रिवाज से विवाह और तलाक हुआ था और जिसके बाद उसकी पत्नी ने कोतवाली थाने में उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कराया था और इन 4 सालों में कोतवाली पुलिस ने उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न के कई मुकदमे दर्ज करने के साथ ही लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज किए हैं। सब जहां से थक हार कर ही जब वो प्रेस क्लब में अपनी फरियाद देकर घर जा रहा था तभी रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठे उसके ससुराल वाले और कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया जिसमें वो लहूलुहान हो गया। घायल अवस्था में उसे कोतवाली थाना लाया गया और जहां पर कोतवाली थाना प्रभारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और उल्टा उसके ऊपर ही हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसने बताया है कि इस हमले में उसके सर पे 15 टाके लगे हैं और उसका एक हाथ और एक पैर भी टूट गया है, लेकिन पुलिस ने उसे ही हत्या के प्रयास का आरोपी बना दिया है। हालांकि इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक युवक लहूलुहान स्थिति में थाना परिसर में मौजूद है, लेकिन पुलिस मोबाइल उसका इलाज कराने की बजाय उसके परिजनों का मोबाइल छीनने की बात कर रही है। और घटना को लेकर जब SP City से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये थाने का हिस्ट्री शीटर है और इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। इसकी पत्नी का विवाद चल रहा है। जब इसकी पत्नी कोर्ट में अपना बयान देकर घर जा रही थी तभी रास्ते में इसने अपनी पत्नी पर हमला किया और बीच बचाव में इसको चोटें लगी। कोतवाली थाना क्षेत्र में एहतसाम नाम के एक हिस्ट्री शीटर जो कि उसकी पत्नी 164 का बयान कोर्ट से लिखवा के आ रही थी, उस समय वापस आते समय उस व्यक्ति ने उस महिला को रोक के उसके साथ मारपीट की और उसके पिता के साथ मारपीट की। बीच बचाव में उन्होंने उसका जवाब दिया तो उसकी वजह से उसको हल्की फुल्की चोट आई है। उसका बाकी आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उसके ऊपर 15 टाके लगे हैं, हाथ पैर फ्रैक्चर है, तो ऐसे में किस आधार पर 307 का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज? जो भी तथ्य उसके आधार पर पुलिस जो है विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। और गोरखपुर से संवाददाता धनेश कुमार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। धनेश, जिस तरह से मामला सामने आया है कि आरोपी खुद को ही बेकसूर बता रहा है, वहीं आरोपी की पत्नी जो है महिला वो भी आरोप लगाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला पूरा जो है मुस्लिम समाज का है। अभी 2018 में इनकी जो है
जो पीड़ित लड़का है उसकी शादी प्रेम विवाह किया जाता था, तो मुस्लिम रीति रिवाज के साथ विवाह हुआ था और 15 दिन बाद ही उसकी तलाक हो जाती है। तलाक होने के बाद भी मामला केस में चलता है। केस में लगभग पीड़ित के ऊपर जो मुस्लिम पीड़ित युवक है उसके ऊपर लगभग दर्जनों मुकदमे पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं। दहेज उत्पीड़न को 3 बार लगाया गया, जबकि दहेज का उत्पीड़न कई बार लगाया जा सकता है कि उस पर 3 बार दहेज उत्पीड़न, जैसा कि पीड़ित ने हम लोग को प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान सारी अपने जो है डॉक्यूमेंट दिखाए कि 3 बार दहेज उत्पीड़न लगाया गया है और कई बार दर्जनों बार जो है अन्य मुकदमे लगाए गए हैं, दर्जनों से ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं। उसके बाद भी अभी उसकी मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चलने के बावजूद भी है बार बार जो है कोतवाली पुलिस जो है उनको बुलाती है और उनको पीड़ित करती है, ऐसा उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया। और कुछ दिन बाद जो मामला हुआ प्रेस वार्ता करने के बाद पीड़ित जो युवक है अपने प्रेस वार्ता करने के बाद प्रेस क्लब से अपने घर लौट रहे थे और जैसा कि पुलिस का कहना है कि पत्नी उनकी जो पीड़ित की पत्नी है तलाशुदा पत्नी है कोर्ट से अपने 164 का बयान लेके वापस जा रही थी और दोनों भिड़ गए मारपीट हुआ। वही जो है कोतवाली में पीड़ित युवक लहूलुहान होकर बैठा हुआ था, उसका ये कहना था कि उसकी पत्नी की जो पत्नी के साथ लोग आए थे घात लगा के बैठे हुए थे और उन्होंने जब मैं प्रेस क्लब से लौट रहा था तो मारा पीटा गया और कोतवाली में बैठाया गया था। उसके बाद जो है उसके ऊपर ही जो है 307 का मुकदमा कोतवाली पुलिस के द्वारा लगा दिया गया। पीड़ित को 14 टाके लगे हुए हैं। वही पीड़ित की पत्नी को मामूली चोटें आई थी, उसके बावजूद जो है उसके ऊपर 307 का मुकदमा लाद दिया जाता है। तो पूरी तरह देखा जाए तो कोतवाली पुलिस का एक अजीब रवैया है जो कि पीड़ित के ऊपर ही 307 का मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये पीड़ित की गुहार अभी तक लगाई जा रही है, उच्च अधिकारियों से पीड़ित ही इस मामले को संज्ञान में डाला है, लेकिन अभी तक कोई मामले को जो है नहीं लिया गया। जी दिनेश, जिस तरह से इसमें आरोप लग रहे हैं पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं मिली भगत का, उसके बारे में क्या अभी तक बात सामने आ पाई है? देखिए, जैसे हम लोगों ने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि एसपी सिटी का कल हम लोगों ने बयान भी लिया तो एसपी सिटी ने बताया कि ये एड्रेस है और जो है पत्नी के मामले में उसको कई धाराओं में उसको धाराएं लिखी जाती है, लगभग दर्जनों धाराएं लिखी जाती है। पहले उसको जो है गुंडा एक्ट बनाया जाता है, उसके बाद जो है उसको एड्रेस बना दिया जाता है पत्नी के विवाद में। ये बड़ी पुलिस की जो है देखा जाए अगर पुलिस की रवैया देखा जाए तो ये संदिग्ध है कि ये कई तरफ से कई व्यक्ति को जो है दर्जनों धाराएं लगाई गई है। उसमें बड़े अधिकारियों से बात की गई तो वो सीधे नकार कर रहे हैं कि वो पीड़ित केवल युवक ही महिला है, महिला की तरफ से पीड़ित पर दर्जनों मुकदमे लगाए गए हैं। तो मामला कहीं ना कहीं देखा जाए तो संदिग्ध पूरी तरह कोतवाली पुलिस का मामला, कोतवाली पुलिस संदिग्ध एक तरफा सारा काम कर रही है। युवक जो बाहर खाया हुआ था 14 टाके लगे हुए हाथ पैर उसके फ्रैक्चर है जैसा कि डॉक्टरों का कहना है और अभी जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती है, उसके ऊपर ही 307 का मुकदमा लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस की रवैया तरफा दिखी जा रही है। जी दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कैंट थाने के गोलघर में मौजूद ऑटोमोबाइल के व्यापारी के पेटीएम से उन्हीं के कर्मचारी ने धीरे धीरे 10 लाख रुपए अपने खाते में रिफंड करा लिया और रिफंड कराए गए रकम से आरोपी कर्मचारी ने डीजे खरीद कर अपना खुद का व्यापार शुरू कर दिया और पुलिस ने व्यापारी की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने गबन के पैसे से खरीदे गए डीजे को भी बरामद कर लिया है, लेकिन अपने कर्मचारी की इस करतूत से व्यापारी में पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गया है और पुलिस अधीक्षक नगर किशन कुमार विश्नोई ने बताया है कि गोलघर के गणेश चौराहे पर वशिष्ठ नारायण पांडे के पांडे ऑटो मोबाइल्स नाम की टायर की दुकान है। उनके दुकान पर अमटोरा निवासी अंकुश पासवान 1.5 वर्षों से काम करता है और उसके साथ ही दुकान पर 2 अन्य कर्मचारी भी काम करते हैं। दुकान पर ग्राहकों की काफ़ी भीड़ रहती है और कई बार ग्राहकों का दिया हुआ पैसा जब तकनीकी कारण से उनके खाते में नहीं आ पाता था तो वो अंकुश पासवान के खाते में पेटीएम से मंगा लेते थे और बाद में अंकुश के खाते से पेटीएम बिजनेस द्वारा
अपने खाते में ले लेते थे और जब अंकुश पेटीएम के काम में निपुण हो गया तो अप्रैल 2022 से अंकुश पासवान ग्राहकों का पैसा पेटीएम से अपने खाते में ले लेता था और फिर उस पैसे को दुकान मालिक के खाते में भेज देता था। बाद में उस भेजे गए पैसों को अपने खाते में रिफंड सिस्टम के जरिए वापस ले लेता था और इस तरह से करीब 10 लाख रुपये अंकुश ने अपने खाते से मंगा लिया। और जब दुकान के मालिक को शंका हुई इस बात पर ही तो उसने मोबाइल पर पैसा रिफंड होने का मैसेज क्यों आता है तो उसने अपने अकाउंटेंट से इस विषय में पूछा। अकाउंटेंट को भी जानकारी ना होने के कारण बताया गया कि ये पैसा वापस हो जाएगा। जब सेठ ने ऑडिट कराया तो फिर उसे अंकुश के जालसाजी के बारे में जानकारी हुई। उसके बाद वशिष्ठ ने अंकुश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट को एक सफलता मिली है। उल्लेखनीय है कि 19 नवंबर को रात को 11:30 बजे करीबन अपना अकाउंट चेक करने के बाद में एक वशिष्ठ नारायण पांडे नाम के एक व्यक्ति जो कि ऑटोमोबाइल की दुकान चलाते हैं, जो टायर वगैरह बेचते हैं, उन्होंने बताया कि उनकी दुकान पर काम करने वाला एक मुनीम जो कि कभी कभी सर्वर डाउन होने या किन्हीं कारणों से ग्राहकों से अपने पेटीएम के अंदर पेमेंट लेता था और वो पेमेंट बाद में सेठ के खाते में डाल देता था। और इसी खबर पर हमारे साथ धनेश लगातार बने हुए। धनेश, जिस तरह से कर्मचारी का जाल साझा सामने आया है, पूरा मामला क्या है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, कैंट थाना क्षेत्र के जो गले चौराहे के पास वशिष्ठ नारायण की दुकान है, आपसे पास की दुकान है, टायर की दुकान है, वहाँ पे उनके मुनीम के द्वारा जो है उनके लाखों रुपए जो है अपने अपने अकाउंट में ग्राहकों से अपने अकाउंट में डलवाते थे और बिजनेस अकाउंट में जो है और फिर अपने मालिक के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, जो कि फिर रिफंड वो मंगाने का काम करता था। पूरी मामला जो है लगभग सालों चला ऐसे मामले और लगभग 10 लाख रुपया का जो 10 लाख का जमा कर मुनीम अपने 6 लाख रुपया के डीजे खरीदे थे और उन्हीं के पैसों से अयाशी में अपना सारा पैसा खर्च करता था। लेकिन जब उनको मालिक को जब शक हुआ कि पैसे अकाउंट सीधा जा रहे हैं, अकाउंटेंट से अपनी बात की कि पैसे हमारे जो आ रहे हैं लगभग लाखों का गमन दिख रहा है, तो उन्होंने जब छानबीन पुलिस से तहरीर दी कि ये मामला तो साइबर क्राइम साइबर सेल के लोगों ने पूरी मामले को देखा और जाना पहचाना, उसके बाद जो है सारी बातें बताई और उनको जो मिली है उनको गिरफ्तार कर उससे सारी बातों को लगाया गया। तो उन्होंने बताया कि जी अब तक 10 लाख रुपए का गमन हमने बिजनेस अकाउंट अपने मालिक के बिजनेस अकाउंट से गमन किया है, जिससे 6 लाख रुपए का डीजे और अन्य पैसे को जो उन्होंने अपने अयाशी में खर्च किया है। तो पूरे मामले को छानबीन करने के बाद अंकुश पासवान जो है उसको गिरफ्तार किया गया। कल सापा के दौरान एसपी ने बताया कि ये सारे मामले ऐसे थे बिजनेस अकाउंट से अपने मालिक के अपने सर्वर डाउन होने का मामला दिखा करके अपने अकाउंट में पैसे ग्राहक से लेता था, फिर अपने मालिक के अकाउंट में डालने के बाद फिर रिफंड मंगा लेता था। ऐसे में पूरे 10 लाख रुपए का जमा किया हुआ था, जिसको पुलिस ने काफी खोजबीन के बाद सामने मामला आया और पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए अंकुश पासवान को जेल भेज दिया। जी, जिस तरह से बताया जा रहा है जो दुकान का मालिक था धनेश, उसको किस समय ये खबर हुई कि कुछ घोटाला चल रहा है, क्योंकि 10 लाख बहुत छोटी रकम नहीं होती है? जी, अपने मुनीम से पूरा भरोसा करता था कि तो किसी तरीके से फ्रॉड नहीं करेगा, लेकिन जब अकाउंटेंट ने सारी चीजें जब हर महीने सारे टैली करते हैं, अकाउंटेंट बातों को रखते हैं, सारा लेखा जोखा दिखाते हैं, तो बताने लगे कि उनको मालिक को बताया कि आपके पैसे जो है इसके दिखाई वो नहीं कर रहे हैं, फिर रिफंड दिखा रहे हैं, आखिर क्या मामला है। तो वो सब जब मामले पर संज्ञान लेते हैं मालिक के पैर मारे दुकान मालिक ने टैल पुलिस से तहरीर दी, उसने सारा मामला जो साइबर से सारा मामला देखने में आया, पूछताछ के बाद सारा मामला सामने आया कि सारा कंप्यूट उसके मिली का है। उसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सारा पूछताछ किया, तो सब मामला सामने आया और 10 लाख रुपए का गमन उनके मुनीम ने किया था, जिससे 6 लाख रुपए का डीजे और बाकी अपने पैसे अयाशी में खर्च कर दिया था। जी धनेश, अब आरोपी के ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है? आरोपी को मैम कल आरोपी को कल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल भेजा है, ठगी के मामले में उसको जेल भेज दिया गया है। कल पुलिस इस सारे मामले को जानकारी देते हुए करते हुए मामले की जानकारी दी। जी धनेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए।
रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में चलती कार में भीषण आग लग गई और वहीं आग लगने से हड़कंप मच गया। कार सवार ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। आपको बता दें कि कार बीच सड़क पर जलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। रायबरेली से खबर बता रहे हैं जहां पर सड़क पर कार में अचानक भीषण आग लग गई और भीषण आग के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं बताया जा रहा है कि कार में मौजूद लोगों ने भीषण आग लग गई, जिसके बाद कार में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कार सवार ने ही कार से कूदकर अपनी जान बचाई है और कार बीच सड़क में ही जलती हुई दिखाई दी है। तो रायबरेली से खबर बता रहे हैं जहां पर कार में भीषण आग लग गई और जिसके कारण गाड़ी जलकर राख हो गई। बलरामपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि युवक घरेलू सामान लेकर बाजार लेने के लिए बाजार गया हुआ था और इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चला दी है। गोली के कारण ही युवक जो है उसके कान के पास गोली लगी है और घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाया जाएगा और जहाँ पर डॉक्टर ने उसे ले जाया गया और वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो आपको खबर बता रहे हैं बलरामपुर से जहां पर अपराधियों के हौसले साफ तौर पर बुलंद नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक जो है घरेलू सामान लेने के लिए बाजार गया हुआ था, तभी अचानक उस पर हमला कर दिया गया और गोली से हमला किया गया और गोली लगने के कारण युवक की अब मौत बताई जा रही है। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है, इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। युवक पर गोली चलाई गई है। बलरामपुर से खबर है, बलरामपुर में अपराधियों के हौसले साफ तौर पर बुलंद नजर आ रहे हैं। अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि युवक घरेलू सामान लेने के लिए बाजार जा रहा था और इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चलाई है। गोली युवक के कान के पास लगी थी और घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ बलरामपुर से संवाददाता योगेंद्र विश्वनाथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि युवक बाजार जा रहा था सामान लेने के लिए और उसे अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली से हमला कर दिया, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बताऊं कि ये मामला जो है ललिया थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ का एक ग्राम सभा है लालपुर विशनपुर, यहाँ के रहने वाले ब्रजेश मिश्रा दूध की डेयरी चलाते थे। वहीं पर काम करने के लिए एक मजदूर को शराब की लत थी और इसे ये अमूमन जो है शराब पिलाने के लिए ले जाया करते थे। गांव एक किलोमीटर दूर हो रहा होगा। सोमवार की रात भी ब्रजेश मिश्रा उस मजदूर को लेकर शराब पिलाने के लिए ले गए थे और वो जब ऐसा हो रहा था, जब ये लोग ये चीजें मजदूर उनका शराब पी रहा था, तो ये वहीं पे अपना सामान खरीद रहे थे देने के उपयोग के लिए। उसी में कुछ लोग पीछे से आते हैं और उनके कान के पास से सटाकर उनकी खोपड़ी पर गोली मार देते हैं और इन्हें वो बाइक सवार जो है भाग जाते हैं। बताया जाता है कि जिस गोली चलते समय ही तुरंत जो है अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और वहां से लोग जो है भागने लगते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन इसमें जो ब्रजेश मिश्रा का परिवार है उसका साफ तौर पर आरोप है कि कई दिनों से जो है इनके ही गाँव रहने वाले शिवशंकर पाठक सहित जो है लगातार इन पे नजर बनाए हुए थे और बताया जा रहा था कि इनका एक पुराना मुकदमा चल रहा है जिसमें जो है 11 तारीख को आने वाले 11 तारीख को जो है इनकी पेशी वगैरह होनी थी और इससे पहले भी इसकी पत्नी ने जो है ब्रजेश की मृतक पत्नी का दरवाजा दर्ज करवाया था। तो इस कारण से पुरानी रंजिश थी जिस कारण से जो है इन तमाम चीजों को ये लोग अपने मन में रखे हुए थे और इन्होंने इस को जो किया है। जी योगेंद्र, फिर पुलिस किस आशंका पर आगे की कार्रवाई कर रही है क्योंकि पुरानी रंजिश का मामला पुलिस ने जो है तहरीर ले ली है और जो तमाम तथ्य हैं मैंने आपको बताए हैं उन तथ्यों को खंगालते हुए और अन्य चीजों को भी जो है खंगाल रही है पुलिस, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात जो है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 9 बजे का समय अमूमन राहों पर जो है भीड़ का माहौल था और पुलिस जैसा कि दावा करती है कि अपराध मुक्त हो गई है तमाम चीजें,
तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये आम लोगों को के लिए चिंता का सबब है, पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का सबब है। इस तरह खराब होने का डर रहता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का डर रहता है। ब्रजेश को जिस तरह से गोली मारी गई काम से सटाकर, उस तरह से लगता है कि ये कोई दुर्दांत अपराधी रहा होगा जिसने इस तरह से घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल योगेंद्र, बाजार में हड़कंप का माहौल देखने को मिला होगा जिस तरह से गोली चलाई है एक बीच बाजार में। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं जैसे गोली तुरंत अफरा तफरी का माहौल हो गया और तमाम लोग इधर से उधर भागने लगे, क्योंकि जो है कान से सटाकर गोली, कान के पास सटाकर गोली मारी गई। और ये किस तरह की, अभी इसका तो खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह थी, अमूमन गांव के जो चौराहे थे शाम को वो गुलजार रहते हैं, वहां पर चाय पीने के लिए लोग और तमाम चीजों को करने के लिए लोग आते हैं, तो अगर ये ऐसी चीजें सामने आ रही हैं तो ये कहीं ना कहीं दुखद जरूर है। जी जी बिल्कुल योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और दिन दहाड़े यहाँ पर गोलियां चलाई जा रही हैं, और सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।